गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा इज एम आर प्लस टू। ओके, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको इज एम आर का यूज बताया, इज एम आर कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले एक बार देख लें। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको ये आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, तो आज का टॉपिक है गाइस इज एम आर प्लस टू। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है, इस टाइप के सेंटेंसेस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं। तो इज एम आर प्लस टू यानी इज टू, एम टू एंड आर टू का यूज़ कहाँ करते हैं, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कहना हो कि आज हमें वहाँ जाना है, ओके, हमें ये काम करना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो गाइस इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम इज टू, एम टू एंड आर टू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें मुझे यह काम करना है, ओके, मुझे यह काम करना है, तो अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि मुझे यह काम करना है, मुझे सोना है, मुझे जाना है, मुझे हंसना है, मुझे रोना है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं गाइस इसमें हम इज एम, इज टू, आर टू एंड एम टू का यूज़ करते हैं। और आपको इज टू का यूज़ कहाँ करना है, एम टू का यूज़ कहाँ करना है, आर टू का यूज़ कहाँ करना है, ये मैंने आपको इज एम आर के वीडियो में बताया हुआ है कि इज टू का यूज़ जो है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हम उसके साथ इज टू का यूज़ करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है या जहाँ एक से ज़्यादा की बात हो रही है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मुझे, तो मुझे के लिए आई आप यूज़ करना है, आपको ये फर्स्ट पर्सन है, आपको यहाँ आई यूज़ करना होगा, तो आई के साथ नहीं यूज़ होता है ना तो आर यूज़ होता है, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, एम टू, तो आई एम टू डू दिस वर्क। यहाँ पे आपको जो वर्ब है काम करना, आपको उसका फर्स्ट फॉर्म लगाना है, कोई आई एन जी फॉर्म नहीं यूज़ करना है गाइस, आप ये याद रखिएगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, उसके बाद एम टू, आर टू, इस टू, जो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सुटेबल है आपको वो यूज़ करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मेन वर्ब यूज़ करेंगे, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, करना, करने का होता है डू, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, तो डू दिस वर्क, ओके, मुझे यह काम करना है, उसे अंग्रेजी सीखनी है, उसे अंग्रेजी सीखनी है, ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है गाइस, उसे, उसे के लिए हम यहाँ ही यूज़ करेंगे, ही, अब ही के लिए हम आम टू का यूज़ तो करेंगे नहीं, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हमें इज टू का यूज़ करना होगा, तो ही इज टू, अब उसके बाद यहाँ देखिए क्या लगाया है मैंने, इज टू, एम टू के बाद मैंने यहाँ मेन वर्ब लगाया है, मेन वर्ब क्या है यहाँ, लर्न यानी सीखना, सीखना यहाँ मेन वर्ब है, तो आप मेन वर्ब के लिए लर्न यूज़ कर दीजिए। He is to learn, क्या क्या सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, He is to learn English, ओके। अब हम बात करते हैं आर टू की, अगर हमें बोलना हो उन्हें वहां जाना है, ओके, उन्हें वहां जाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, उन्हें की बात है यहाँ पे, यानी कि उन्हें के लिए हम दे यूज करते हैं, उन्हें यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, ओके, उसे और उन्हें पे फर्क है गाइस, उसे एक सब्जेक्ट एक लोगों के लिए यूज़ होता है, एक लोग के लिए, और उन्हें जो है एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ करते हैं हम, उन्हें के लिए दे या लगाया हमने, दे के साथ हम इज टू का यूज़ नहीं करेंगे, आम टू का यूज़ नहीं करेंगे, हम आर टू का यूज़ करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है, ओके, और एम सिर्फ आई के साथ लगता है, तो उन्हें के लिए दे लग गया, दे आर टू गो, जाना, जाना मेन वर्ब है, तो आर टू के बाद हमें मेन वर्ब यूज़ करना है, सारे में देखिए जो अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको, आई आम टू के बाद वर्ब मेन वर्ब, ही इज टू के बाद मेन वर्ब, दे आर के बाद, दे आर टू के बाद मेन वर्ब, ओके, गो कहाँ जाना है, उन्हें वहाँ जाना है, दे आर टू गो देयर, ओके। अगर हम इस टाइप के कोई भी सेंटेंसेस दिखेंगे गाइस, आपको इज टू, आम टू एंड आर टू का यूज़ करना है, यहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, बस मुझे करना है, ओके, मुझे अभी सोना है, मुझे रोना है, मुझे खाना बनाना है, यहाँ पे कंपल्शन की कोई बात ना आए, अगर कंपल्शन की बात आती तो वो दूसरा हो गया, वहाँ पे हम इज टू और एम टू और आर टू का यूज़ नहीं करेंगे गाइस, वो एक अलग केस है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो इज टू, एम टू और आर टू का यूज़ वहाँ करना है जहाँ पे आपको सिंपली कोई काम करना है, ओके, तो आई हैव टू डू दिस वर्क, ही इज टू लर्न इंग्लिश, उन्हें वहाँ जाना है, दे आर टू गो देयर, ओके। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना हो,
नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया हुआ है अपने सारे वीडियोस में कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बनाते हैं हम सेंटेंस को. अगर हमें इसमें अगर हमने हमें नेगेटिव अगर ये सारे तो अफर्मेटिव है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे अभी अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हैं. अगर हमें इसको नेगेटिव में करना होगा गाइस तो आप क्या करेंगे, अगर इसको आपको नेगेटिव बनाना हो तो आपको सिंपली क्या करना है, नहीं लगा देना होगा. मुझे यह काम नहीं करना है. ओके okay? तो आई एम जो लगा हुआ है बस आपको यहाँ पे नॉट लगा देना है. सिंपली आपको जो है इसके बाद आपको आर के बाद आपको और आम के बाद आपको नॉट लगा देना है. तो आपका सेंटेंस क्या बन के आएगा, मुझे यह काम नहीं करना है, आई एम नॉट टू डू दिस वर्क. ओके क्या बोलेंगे आप, आई एम नॉट टू डू दिस वर्क. सेम वही कॉन्सेप्ट है गाइज, हेल्पिंग वर्क के बाद आपको नेगेटिव में नॉट यूज करना होता है. मैंने आपको सारे वीडियोज में अपने बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, हेल्पिंग वर्क जो भी आपने लगाई है जस्ट उसके बाद आपको नॉट यूज कर देना है. ओके तो ही इज नॉट टू लर्न इंग्लिश, उन्हें वहाँ नहीं जाना है, दे आर नॉट टू गो दैट. ओके सिंपली अगर आपको इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस गाइज, मैंने आपको बताया हुआ है सारे वीडियोज में कि दो तरह के होते हैं. ओके दो तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, सबसे पहले तो एक ऐसा सेंटेंस इंटरोगेटिव में आता है जहां पे क्या से शुरू होता है सेंटेंस, जो क्या से शुरू होता है उसको भी हम इंटरोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं. एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है जैसे क्यों कहाँ कैसे आ जाता है, एक वो भी इंटरोगेटिव होता है. पहले हम ये बात करते हैं क्या की स्टार्टिंग में जो क्या आता है गाइस, क्या अगर स्टार्टिंग में आता है तो आपको उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं लगानी है, कोई उसका पर्टिकुलर कोई भी मीनिंग नहीं लगेगा. आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है आपको वो उठा करके बस पहले लगा देनी होती है. ओके एम आई टू डू दिस वर्क, एम आई टू डू दिस वर्क, दैट्स इट. और कुछ नहीं करना है, क्या उसे अंग्रेजी सीखनी है, बस आपको ये हेल्पिंग वर्ब जो है उठा करके पहले कर देनी है. इज ही टू लर्न इंग्लिश, अगर यहाँ बनाना है क्या उन्हें वहां जाना है, आर दे टू गो देयर. तो ये हमारे इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स हो गए. अगर हमें बात करनी हो कि मुझे यह काम क्यों करना है, कहते हैं ना हम अभी अरे यार मुझे यह काम क्यों करना है, तो मुझे यह काम क्यों करना है अगर आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, क्यों अगर लगा हुआ है ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ. मैंने तीनों में क्यों लगा दिया, क्यों ही नहीं, बहुत सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स मिल सकते हैं आपको. अगर यहाँ पे कहाँ हो मुझे अगर मान लीजिए इस टाइप का भी सेंटेंस आ सकता है, मुझे वहाँ कहाँ जाना है. ओके मुझे वहाँ क्यों जाना है, मुझे वहाँ कैसे जाना है, तो ये सारे सेंटेंसेस भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं गाइस. मुझे यह काम क्यों करना है, क्यों के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले आपको लगाना है क्यों की इंग्लिश सबसे पहले. ओके और कुछ नहीं करना है, बस आपको क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगा देनी होती है. कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आपको अगर बीच में दिखता है तो सबसे पहले आपको उसकी इंग्लिश लगानी होती है. तो वाई एम आई टू डू दिस वर्क, दैट्स इट. बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, वाई एम आई टू डू दिस वर्क. यहाँ पे क्या करना है आपको, अगर मैंने क्या हटा दिया और उसको लगा दिया, उससे अंग्रेजी क्यों सीखनी है, वाई इज ही टू लर्न इंग्लिश, वाई इज ही टू लर्न इंग्लिश. और यहाँ पे अगर मैंने बोला उन्हें वहाँ क्यों जाना है तो आप क्या बनाएंगे, वाई आर दे टू गो देयर. ओके आई होप कि आपको ये आज के वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट रह गया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें गाइस. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर.